हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे आप सब लोग खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, हेल्दी हो। सो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस कनेक्शन से इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाहत है उनकी, क्या डिज़ायर है, क्या उम्मीद है। जो भी है हम इस रीडिंग में देखेंगे। एक चीज़ का खास खास ध्यान रखना है कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। प्लीज़ ये मत पूछना कमेंट सेक्शन में कि लड़कियों के लिए रीडिंग है या लड़कों के लिए रीडिंग है। टैरो कभी भी लड़की या लड़के जेंडर देख के रीड नहीं करता है, टैरो एनर्जी रीड करता है। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त करेंटली इस कनेक्शन से क्या उम्मीद रखते हैं या उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे ये वाली तो लाइक ज़रूर करना, और मेरे और भी चैनल्स हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा वीडियोस और चाहते हो तो। चलो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस रिश्ते से। सॉरी गाइस, बीच में ही फ़ोन पे कुछ प्ले हो गया। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है, कलेक्टिव्स के जो पार्टनर है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। गार्डेड, ओके, लव, डिसअपॉइंटेड, व्हाट मोर डू वी हैव। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। नॉस्टैल्जिक, डिस्पेयर, कंटेम्प्ट, इल्यूजिव, और बॉटम ऑफ द डेक है स्केयर। ओके, चलिए और देखते हैं क्या सिचुएशन है आपके रिश्ते की। करंट सिचुएशन क्या है वो भी देख लेते हैं। करंट सिचुएशन क्या है, व्हाट इज़ अ करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या है इस रिश्ते की, करंट सिचुएशन क्या है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है डेस्टिनी, केमिस्ट्री, रनर, मेंड, होप, सैबोटेज, और जो लास्ट कार्ड है स्पेस। बॉटम ऑफ द डेक में रेमिनिसिंग है, ठीक है। हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे, ओके। सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है जहाँ पे आप इस पर्सन से अपने आप को लिटरली बचा रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस पर्सन के साथ रिश्ता नहीं चाहते या आप इनके लिए कोई फील नहीं करते हो, कुछ फीलिंग्स या इमोशंस नहीं आपके अंदर, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आप अपने आप को या तो हर्ट होने से बचा रहे हो फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन आपको हर्ट कर सकते हैं, ये किसी तरह से आपका दिल तोड़ सकते हैं, या फिर कुछ कुछ तो आपको डरा रहा है अबाउट दिस कनेक्शन और अबाउट दिस पर्सन। और ये चीज़ आपके पर्सन को फील हो रही है, उनको पता है कि आप अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अलग बिहेव कर रहे हो, आप उनसे थोड़ा सा बच के रख रहे हो, अपने आप को बचा के रख रहे हो। देखिए, एक चीज़ तो है कि ये पर्सन अभी भी आपके अंदर की छोटी सी भी डिफरेंस आपके बिहेवियर में समझ जाते हैं, नोटिस कर लेते हैं, ठीक है। और ये अभी भी नोटिस कर रहे हैं कि आप थोड़े से बदले से लग रहे हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल रहे हो या बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हो और अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर रहे हो, ओके। पहले आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में होते थे, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में होते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे इस पर्सन के लिए, लेकिन अब यू आर काइंड ऑफ यू आर गार्डिंग योर सेल्फ। और ये चीज़ आपके पर्सन अब आपके अंदर देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप पहले जैसे बन जाओ, आप अपने गार्ड्स को डाउन कर लो, आप
बहुत ज़्यादा ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, आप ओपन अप हो जाओ उनके सामने, ठीक है? सो व्हाट दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट दे एक्सपेक्ट ऑफ यू, वो आपके साथ पहले जैसा रिश्ता चाहते हैं. ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ, वो एक चांस चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं, वो आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, वो आपका प्यार फील करना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो फील होता है कि हाँ यार प्यार अभी भी है. भले हम दोनों एक दूसरे को प्यार दिखाते नहीं है, लेकिन प्यार है. एंड दे डू वॉन्ट योर लव एंड दे डू डू वॉन्ट टू शो देयर फीलिंग्स, ठीक है? वो चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं चीज़ें पहले जैसी हो जाए. जहाँ पे आप ओपन थे वो ओपन थे, दोनों एक दूसरे के यू नो प्यार में डूबे हुए थे. सो या दैट इज़ वॉट दे वॉन्ट राइट नाउ, ठीक है? वो चाहते हैं कि यूनिवर्स उन्हें एक मौका दे, कि उन्हें आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आने का मौका चाहिए उन्हें, ठीक है? मैं ये भी देख रही हूँ कि वो इस सेपरेशन से, इस नो कॉन्टैक्ट से, या इस ब्रेकअप से, या लो कॉन्टैक्ट से बहुत ही ज़्यादा नाखुश है. दे आर नॉट हैप्पी, बहुत डिसअपॉइंटेड है. और अगर रिश्ता उन्होंने खुद तोड़ा है, तो वो खुद से निराश है, वो खुद से डिसअपॉइंटेड है, ठीक है? सो दैट इज़ द थिंग, कि अगर इस पर्सन ने रिश्ता ख़त्म किया था, तो उन्हें खुद को ही, वो खुद से ही निराश लग रहे हैं मुझे. और अगर आपने रिश्ता ख़त्म किया था, तो इस सारी सिचुएशन से वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं. क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक चीज़ें ठीक हो जाती है, अब तक चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, बट मे बी बहुत टाइम हो गया है जब यू नो अगर उन्होंने एफ़र्ट्स नहीं डाले, तो आपने भी नहीं डाले हैं. मे बी आपने सोच लिया कि नहीं, मुझे नहीं एफ़र्ट्स डालने हैं. तो ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत डिसअपॉइंट कर रही है रह रहे के. ओके, लेकिन ये यादों में है, ये आपको बहुत मिस करते हैं. बस ये हिम्मत करके आ नहीं रहे हैं. द ओनली थिंग इज़ ये मिस बहुत कर रहे हैं. पुरानी यादें काफ़ी ज़्यादा इनको बेचैन कर रही है, लेकिन ये एक एक जगह पर आते रुक जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, एक जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है? इस पर्सन की सिर्फ एक एक्शन लेने की देरी है. ओके, मुझे काफ़ी होपलेस भी नज़र आ रहे हैं. ओके, काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं. देखिए, अगर ये आपको बहुत खुश दिख रहे हैं ना, उसके पीछे ये जब अकेले होते हैं, या यू नो जब ये सैड होते हैं, वो वाला पार्ट आपको दिख ही नहीं रहा होगा. ये बस आपको अपना एक हैप्पी साइड दिखा रहे होंगे, लेकिन दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट. ये पर्सन ओवरऑल ही मुझे काफ़ी दुखी और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड लग रहे हैं, ठीक है? एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको नहीं शो करना चाहते, अपनी सैड साइड, अपनी दुखी साइड ये नहीं शो करना चाहते, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप जब दोनों बात नहीं कर रहे हो, या नो कांटेक्ट में हो, या सेपरेशन में हो, ये चाहते हैं कि आप किसी और के पास ना जाए, या आप किसी और से कोई वास्ता ना रखे, आप किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप ना बनाए. तो इस पर्सन को थोड़ी सी जेलसी भी होती है जब आप किसी से बात करते हो, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो. दे फील जेलस, दे फील कि आपने किसी के भी साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए. वो चाहते हैं कि अगर आप रिश्ता रखो, तो सिर्फ उनसे, ठीक है? सो या दैट इज़ वॉट दे वॉन्ट. मुझे इस पर्सन को मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, विदाउट यू देयर नथिंग, ठीक है? मे बी उनको लगता है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते, या पहले जैसे आपकी फीलिंग्स नहीं रही है, पहले जैसे आप एफर्ट्स नहीं डालते, एंड वो बहुत अकेला एंड बहुत लॉस्ट एंड बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है? सो या इस पर्सन की एक करंट एनर्जी हम अगर देखें, तो मुझे ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे हैं, ठीक है? देखिए, आप दोनों में चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी है, पहले जैसे नहीं रही है. बट ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके किसी तरह से सही रास्ता कैसे निकाला जाए इस पूरी सिचुएशन में. दे आर स्ट्रगलिंग. ये पर्सन काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रास्ता निकाला जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए. सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, इस ब्रेकअप सिचुएशन से, या लो कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट से बाहर निकलने का, ठीक है? और इस पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार जो नसीब में है वही हो रहा है, और जो नसीब में है वही होगा. ओके,
इस पर्सन को आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती है, इवन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती है इस पर्सन के साथ. कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ रही हो, कितना ही बुरा रिश्ता क्यों ना बना हो, दे फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू. आप दोनों को ही फील होता है ये पर्सन इस वक्त बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, इंटेंसली पैशनेट फील कर रहे हैं. लेकिन हाँ, मुझे लगता है ये पर्सन एक रनर भी है. काफ़ी बार ये अपना माइंड चेंज कर लेते हैं, काफ़ी बार ये भागने लगते हैं रिश्ते से. मैनी अ टाइम्स दिस हैपन्स कि ये पर्सन आपको बोलते हैं मुझे रिश्ता ही नहीं चाहिए, मुझे अकेले रहना है, मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू बी अलोन, आई वॉन्ट टू स्टे अलोन. ठीक है, लेकिन हाँ, इस वक्त ये पर्सन इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं अपने प्यार से, क्योंकि एक चीज़ है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें भी पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, एंड लिटरली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू फिक्स दिस कनेक्शन. ठीक है, दे वॉन्ट टू कम इन रियूनियन विथ यू. मुझे नहीं लगता ये पर्सन, हाँ, ये होपलेस मेनी टाइम्स फील करते हैं, लेकिन दिल से इन्होंने कभी भी होप नहीं खोई है. ये अभी भी इस कनेक्शन के लिए अपने एफर्ट्स डालना चाहते हैं, फिर से आपसे प्यार करना चाहते हैं, फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं. इन्होंने अभी भी आप दोनों पे या इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया है. ठीक है, देखिए, ये पर्सन का ये प्रॉब्लम है कि ये ना फंस जाते हैं अपने दिल और दिमाग के बीच, फंस जाते हैं. इस पर्सन को आपके पहले ये कभी मे बी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, कभी भी इन्होंने ऐसा प्यार एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, कभी एक सीरियस कमिटमेंट में नहीं रहे हैं. तो एक मनमौजी अपने हिसाब से लाइफ जीने वाले, अपनी खुशियों के लिए प्यार को दाव पे लगाने वाले, रिश्तों को छोड़ देने वाले पीछे ये पर्सन रहे हैं. ठीक है, सो ये पर्सन अब रियलाइज़ कर रहे हैं या ये जानते हैं कि मैंने ही चीज़ों को ख़त्म किया या मैंने ही चीज़ों को ख़राब किया. जो अच्छी चीज़ है, मैं जो मुझे सच में खुशियाँ देती है, मैं उन चीज़ों को अपने से दूर कर देता हूँ या ख़राब कर देता हूँ उन चीज़ों के लिए जो टेम्पररी है, जो सच मायनों में मुझे खुशियाँ नहीं देती है. ओके, एंड ये पर्सन अभी देखो, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, बट ये अपना वक्त लेना चाहते हैं ठीक से सोचने के लिए. ठीक है, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत मिस कर रहे हैं जो भी मोमेंट्स आप दोनों ने स्पेंड किए हैं, आप दोनों का मिलना, आप दोनों का बात करना, आप दोनों का टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ. दे मिस ईच एंड एवरी थिंग राइट नाउ. ठीक है, जो गुड टाइम्स है वो डेफिनेटली मिस कर रहे हैं उसको. सो या, दैट वॉज इट. कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर 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 बताना. रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करना. आपको रिचुअल करानी है अपने रिश्ते के लिए, अपने करियर के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, उसके लिए भी मैं रिचुअल्स प्रोवाइड करती हूँ, अबंडेंस लाने के लिए, सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए. और रीयूनियन रिचुअल्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन बुकिंग्स फुल है क्योंकि बहुत लोगों ने कराए हैं बुकिंग. तो अभी मेरे पास थोड़े टाइम स्लॉट्स कम है रिचुअल्स के लिए भी. पर्सनल रीडिंग भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, उसकी भी स्लॉट्स थोड़े कम है मेरे पास. और ऑल्सो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं क्रिस्टल एक्टिवेट करके भी देती हूँ, तो आप वो भी लेना चाहते हो तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है. आने वाले समय में और मैं कुछ चीज़ें ऐड करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आएगी. सो या, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज. अपना ख्याल रखिएगा, सारे नंबर्स और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड एंड मिस मी.